एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फनटेक बूम पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हो आज है सैटरडे और हमारे सैटरडे को लेकर आते हैं अपने वीकली टॉप टेक अपडेट सीरीज की एक और नई वीडियो, जिसमें आपको काफी कमाल स्मार्टफोन लीक्स, रूमर्स, आने वाले स्मार्टफोन्स की खबर और लैपटॉप्स वगैरह सबके बारे में सुनने को मिलता है, टेक न्यूज सुनने को मिलती है शॉर्ट में कहूँ तो। अगर आपका टेक में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है तो आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। काफी सारे लीक्स निकल कर आ रहे हैं, स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन निकल कर आ रहे हैं, तो दोस्तों उससे पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो, इससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे जल्दी मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज के धमाकेदार टेक अपडेट्स। बात करते हैं पहली न्यूज को लेकर। पहली न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग फोन 2 सितंबर में आने वाला है, 1 सितंबर को लॉन्च होने वाला है इंडिया में। आप पता ना आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, हालांकि बहुत महंगा होने वाला है क्योंकि काफी अच्छा फोन है ये, टेक्नोलॉजी फ्यूचर टेक्नोलॉजी है। इसके साथ साथ एक लीक ये निकल के आ रहा है कि अगले साल से सैमसंग अपनी नोट सीरीज नहीं लाएगा, उसकी जगह जब एस सीरीज लॉन्च करता है तो S21 अल्ट्रा जो होगा उसमें एस पेन का सपोर्ट होगा, और जब नोट सीरीज लॉन्च करता है तो अपनी फोल्ड सीरीज लॉन्च करेगा। आप बताना क्या सैमसंग को ऐसा करना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से तो नोट सीरीज की अपना ही एक अलग फैन बेस था दोस्तों, मेरे को नहीं लगता सैमसंग को ऐसा करना चाहिए। सैमसंग से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, अच्छी बात नहीं है ये। तो बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज ये निकल के आ रही है कि OnePlus की स्मार्ट वॉच बहुत जल्दी लॉन्च हो सकती है, और इसके साथ साथ एक न्यूज ये भी निकल के आ रही है कि OnePlus का एक फोन जो नोट लाइट नाम से लीक हो रहा है वो 18,000 के अंदर आ सकता है। और कल एक और लीक निकल के आया कि OnePlus Clover नाम से एक फोन आ सकता है जो कि 12,000 के अंदर होएगा, लेकिन स्नैपड्रैगन 460 के साथ आएगा। मुझे नहीं लगता OnePlus को ये फोन लॉन्च करना चाहिए, इस प्राइस सेगमेंट में भी OnePlus ने अपने फोन निकालने चाहिए। हालांकि 20,000 तक ठीक है, OnePlus नोट भी काफी अच्छा था, पर 12,000 के अंदर ऐसी स्पेसिफिकेशन के साथ मुझे नहीं लगता OnePlus को लॉन्च करना चाहिए। आप अपनी राय बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज निकल के आ रही है रेडमी की तरफ से। रेडमी ने अपना रेडमी 9 लॉन्च कर दिया 9,000 और 10,000 रुपए की कीमत पे। क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या आपको लेना चाहिए या नहीं, या किसी और फोन के साथ जाना चाहिए, इसके लिए मैं पहले ही पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हो। अगर फोन बाय करना चाहते हो तो उस वीडियो को पहले जरूर देख लेना। इसके साथ साथ लॉन्च इवेंट में कहा था पिक्चर अभी बाकी है, और 2 दिन बाद रेडमी ने ये भी अनाउंस कर दिया कि रेडमी 9A भी आने वाला है, 2 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। तो दोस्तों आप बताना ये Redmi 9 सीरीज के काफी ज्यादा फोन ही हो गए, Redmi Note 9 Pro Max, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9, Redmi 9 Prime, Redmi 9, Redmi 9A बहुत ही ज्यादा हो गए हैं। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज लीक निकल के आ रहा है Poco X3। दोस्तों इसके लिए काफी लोग एक्साइटेड है, काफी लोग इंतजार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 8 सितंबर को ये लॉन्च हो सकता है, पता नहीं इंडिया में होगा या ग्लोबली होगा। इसके साथ साथ कुछ स्पेक्स भी लीक हो गया है कि 64 मेगापिक्सल का इसमें क्वाड रियर कैमरा होगा पीछे की साइड, 20 मेगापिक्सल की सेल्फी होगी, और 5160mAh की बैटरी होगी 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ। आप बताना क्या आप इस फोन का इंतजार कर रहे हो या नहीं। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर, वो काफी कमाल की निकल के आ रही है। सैमसंग ने ऑफिशियली बोल दिया सैमसंग M51 बहुत ही जल्दी इंडिया में आने वाला है, और ये आएगा पंच होल डिस्प्ले के साथ, सुपर एमोलेड स्क्रीन के साथ। इसके साथ साथ इसमें लीक निकल के आ रहा है कि 7,000mAh की बैटरी हो सकती है, जो कि काफी कमाल की बात है, और 64 मेगापिक्सल का पीछे कैमरा होएगा। दोस्तों इसके साथ साथ इसमें एक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर लगा होगा, काफी अच्छी बात है। आप बताना आप इस फोन का इंतजार कर रहे हो या नहीं। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज निकल के आ रही है रियलमी की तरफ से। रियलमी 7 और 7 प्रो ऑफिशियली बोल दिया गया है 3 सितंबर को 12:30 बजे इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं, और जो लीक निकल के आ रहे हैं रियलमी 7 में हीलियो G95 आपको देखने को मिल सकता है, और 7 प्रो में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगी, 5,000mAh की बैटरी हो सकती है, और दोनों ही फोन में शायद सुपर एमोलेड स्क्रीन और डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। एक फोन में तो जरूर मिलेगा, चाहे वो 7 प्रो हो या 7, दोनों में ही मिल जाए। दोस्तों इसके साथ साथ कहा जा रहा है रियलमी 7 में 30 वाट की चार्जिंग होगी, और पीछे की साइड दोनों ही फोन में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा होगा, सोनी के सेंसर IMX682 के साथ आने वाला। फर्स्ट लुक बैक साइड की दिखाई है, काफी तगड़ी लग रही है मेरे को, तो आप पता नहीं इस फोन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। दोस्तों बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि OnePlus भी इस प्राइस सेगमेंट में फोन लॉन्च करने वाला है, Poco भी लॉन्च करने वाला है Poco X3, Samsung भी M51 लॉन्च करने वाला है, Realme 7, 7 Pro लॉन्च करने वाला है, तो बहुत ही मजा आएगा। काफी सारे अच्छे अच्छे फोन्स मार्केट में आने वाले हैं, तो 15-20,000 के अंदर अभी आप कोई फोन लेने की सोच रहे हो तो थोड़े दिन रुक। अगली न्यूज की बात करें तो अगली न्यूज भी Realme का एक लीक निकल के आ रहा है कि Narzo 20 और Narzo 20 भी बहुत जल्दी लॉन्च हो सकते हैं, अब वो भी 10-12,000 रुपए की कीमत में आएंगे। तो दोस्तों Realme Redmi अपने 7,000 से 12,000 रुपए की कीमत में बहुत ही ज्यादा फोन लॉन्च कर रहे हैं, मेरा तो यही मानना है, और जब बिल्कुल सेम फोन लॉन्च कर रहे हैं बस थोड़ी बहुत चीज चेंज कर देते हैं। आप बताना कि आप Narzo 20 और Narzo 20 के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज निकल के आ रही है Oppo की तरफ से। Oppo F17 Pro Snapdragon 662 के साथ आने वाला है, 2 सितंबर को इंडिया में लॉन्च होगा, देखते हैं कैसा होगा फोन ये। हालांकि Oppo के फोन्स की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है और उसमें प्रोसेसर बहुत ही लो होता है, इस फोन का डिजाइन काफी अच्छा होने वाला है, काफी स्लीक और काफी लाइट वेट फोन होगा ये। अगर आप डिजाइन के लिए फोन ढूंढ रहे हो तो ये फोन काफी अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर। अगली न्यूज ये निकल के आ रही है कि Apple iPhone 12 जो होगा
12 प्रो या 12 प्रो मैक्स में। एक फोन में तो आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, जो कि काफी अच्छी बात है। आईफोन में आपको देखने को मिलेगा कि हायर रिफ्रेश रेट, लेकिन नोच अब भी आईफोन 12 में आपको देखने को मिलेगी, वही बड़ी लंबी चौड़ी सी नोच। दोस्तों इसके साथ साथ एप्पल का ये कहना है कि वो अपना पहला ऑनलाइन स्टोर इंडिया में खोलने जा रहे हैं। एप्पल का कोई भी ऑफिशियल स्टोर इंडिया में नहीं है, थर्ड पार्टी स्टोर है, वही एप्पल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, विदेशों में होते हैं, फॉरनर्स में एप्पल के स्टोर होते हैं ऑफलाइन, लेकिन इंडिया में अभी ऑनलाइन खोला जा रहा है, दिवाली से पहले पहले ये खुल जाएगा। बात करते हैं अगली न्यूज को लेके, जियोनी ने कम बैक करने की कोशिश करी है, इंडिया में अपना एक नया फोन लॉन्च कर दिया, जियोनी मैक्स मात्र 3000 रुपए की कीमत पे। आपको लेना चाहिए या नहीं, क्या स्पेसिफिकेशन है, इसके वीडियो मैं बना चुका हूँ, आपको आई बटन में मिल जाएगी। अगर कोई भी फोन लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को पहले जरूर देख लेना कि फोन लेना चाहिए या नहीं वो वाला। बात करते हैं अगली न्यूज को लेकर, अगली न्यूज भी एमआई की तरफ से निकल के आ रही है, ये ऑफिशियली बोल दिया गया है, एमआई का टीवी होरिजन एडिशन सितंबर में लॉन्च होने वाला है, एक नया टीवी है, देखते हैं क्या और स्पेसिफिकेशन, क्या कमाल की स्पेसिफिकेशन के साथ आएगा, किस प्राइस सेगमेंट पे आएगा और कितने साइज में आएगा। एमआई के टीवी के लिए लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं। बात करते हैं आज की लास्ट न्यूज को लेके, रियलमी की तरफ से आ रही है, एक फोटो लीक हो गई है रियलमी X7 की, हालांकि ये फोन अभी चाइना में लॉन्च होने वाला है, X7 और X7 Pro 125 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ। तो दोस्तों इसका डिजाइन कलर तो मेरे को बहुत अच्छा लगा है, हालांकि Realme की जो बड़ी सी ब्रांडिंग देता था वो तो मेरे को ठीक ठाक लगती थी, लेकिन अब बड़ी सी ब्रांडिंग दी गई है Dare 2 Leap, जो मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, हालांकि इसकी जगह Realme भी लिख देता तो काफी अच्छी बात होती। दोस्तों कलर तो काफी इंटरेस्टिंग है इस फोन का, देखते हैं इंडिया में लॉन्च होएगा या नहीं, या इस बड़ी सी ब्रांडिंग के साथ ही आएगा। तो खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पर, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना बिल्कुल मत जाना, और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप हमें इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको वीडियो रिलेटेड क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं मिलूंगा आपसे जल्दी अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए कीप वॉचिंग फनटेक।